यूपी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है, लेकिन लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में 25 मई को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य उद्घाटन होगा। आइए जानते हैं आखिर क्यों खास है यूपी के लिए इस बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यूपी में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसका आयोजन प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, मशाल, शुभंकर और एंथम को लॉन्च किया गया। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा सीजन है, जिसमें 200 यूनिवर्सिटी के 4,705 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि इस बार प्रतियोगिता में 21 खेलों को शामिल किया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर इन गेम्स का आयोजन उसी तरह भव्य बनाने की तैयारी हो रही है जैसे फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था। गेम्स के सफल आयोजन की मदद से प्रदेश सरकार का लक्ष्य और बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी हासिल करने का है। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पूरे देश में अलख जगाई है खेलों की, खेलों के प्रति युवाओं में रुचि लाकर उनको इसके प्रति आकर्षित करने की, खेलो इंडिया, फिट इंडिया जो उनके कार्यक्रम है, उनका एक ये बहुत बड़ा प्रदर्शन हमारे प्रदेश में होने जा रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें विशेष जो है रुचि ले रहे हैं। लगभग 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ के 4,700 से अधिक खिलाड़ी आना शुरू हो गए हैं और हर जो जहाँ जहाँ पर खेल होने हैं और जहाँ जहाँ पर खिलाड़ियों को रुकाया जाना है, सब में पूरी विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं की गई हैं। यूपी में इसके आयोजन से पहले आइए जानते हैं कि कब और कैसे हुई थी खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत। खेलो इंडिया को भारत सरकार ने साल 2017 में जमीनी स्तर पर शुरू किया था। इसके बाद नई दिल्ली में आयोजित 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ इस पहल की शुरुआत हुई। 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा में किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण साल 2020 में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में 20 खेल शामिल थे, जिनमें 2 स्वदेशी खेल, योग और मलखम को भी प्रोग्राम में जोड़ा गया। अपनी प्रतिभा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए देश के अलग अलग जिलों से खिलाड़ी इन यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि अपने राज्य से यहां तक का सफर उनका कैसा रहा। ये यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले हमें अपना कॉलेज में ट्रायल देना होता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में, फिर हमारी टीम फाइनल होती है एंड वी हैव टू परफॉर्म इन आवर नॉर्थ जोन एंड ऑल इंडिया। सो ऑल द फोर टॉप यूनिवर्सिटी जो होती हैं जोन की, वो सिलेक्ट होती हैं। हमें बहुत मोटिवेट करता है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज है पूरा, बहुत ग्रेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हमें, एज इन एक ओलंपिक्स ही है इंडिया का, सो इट मोटिवेट्स मी अलॉट। खेलो इंडिया खेलने के बाद आई एम ट्राइंग टू गो इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म फॉर माई कंट्री। I am participating in Khelo India like by select. I got selected in South Zone University Games and I got selected to this Khelo India also. Khelo India is like a mini Olympics, so it's like playing for your university and it's like very nice, and the facilities here is like very good and like everything here is like well organized. I'm planning to play international tournaments and like I want to become world number one tennis player, and so I'm starting to participate in international tournaments. अब देखना ये होगा कि इस बार का ये आयोजन यूपी के खिलाड़ियों के भविष्य, उनके सपनों को किस दिशा की ओर बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, लखनऊ।